आईपीएल 2022 में इस बार दो नई टीमें शामिल हुई है। एक टीम का कप्तान उस खिलाड़ी को बनाया गया जो मुंबई इंडियंस की टीम का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी था। हम बात कर रहे हैं आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस की टीम जिसकी कप्तानी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या कर रहे हैं। गुजरात टाइटंस की टीम ने आईपीएल की मेगा ऑक्शंस में कई महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करके एक बेहतरीन टीम बनाई है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2022 के अंदर जो गुजरात टाइटंस का पहला मुकाबला 28 मार्च को ही लखनऊ सुपर जॉइंट के साथ में खेला जाएगा। और ये मुकाबला नहीं मुकाबला, क्योंकि एक टीम की शुरुआत जीत के साथ होगी और एक टीम की शुरुआत हार के साथ होने वाली है। लेकिन अगर गुजरात टाइटंस को जीत हासिल करनी है तो फिर हार्दिक पांड्या किन 11 खिलाड़ियों के साथ में जाएंगे, अब इसकी छवि लगभग साफ हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर किन 11 खिलाड़ियों के साथ में हार्दिक पांड्या उतरने वाले हैं और गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। आइए एक एक करके जानते हैं, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ही हैं गुजरात टाइटंस के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो खैर आइए जानते हैं गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11। चूंकि बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि हार्दिक पांड्या को इस बार कप्तान बनाया गया है जो मुंबई इंडियंस के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक थे, जिसकी कमी अब मुंबई को खल रही है। लेकिन हार्दिक अपना एक अलग नाम और पहचान बनाने में जुटे हैं गुजरात टाइटंस की टीम के साथ में। खैर गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 के बारे में जानने से पहले उनके सबसे मजबूत पक्ष के बारे में भी जान लेते हैं जो कहीं न कहीं उन्हें इस बार चैंपियन बना सकता है। गुजरात टाइटंस की टीम के मजबूत पक्ष की बात करें तो काफी संतुलित नजर आ रही है। हार्दिक पांड्या टीम के कप्तान हैं और अगर हार्दिक पांड्या बल्ले के साथ गेंदबाजी भी करते हैं तो इस टीम के पास एक ऑलराउंडर खिलाड़ी का विकल्प बढ़ जाता है। ऐसे में टीम के पास तीन बेहतरीन ऑलराउंडर मौजूद रहेंगे जो T20 क्रिकेट में बेहद शानदार विकल्प माना जाता है। तो वहीं टीम के पास बल्लेबाजी में भी गहराई मौजूद है जो किसी भी आक्रमण को तहस नहस कर सकती है। लेकिन अब आइए जानते हैं एक एक करके प्लेइंग 11 सलामी बल्लेबाजी। गुजरात टाइटंस की टीम की सलामी जोड़ी की बात करें तो इस टीम ने शुभमन गिल को अपनी टीम में शामिल किया था। शुभमन गिल पहले कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खेलते थे और अच्छी शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में शुभमन गिल सलामी बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे तो गिल के जोड़ीदार के रूप में ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड शुभमन गिल का साथ देते हुए नजर आएंगे। मैथ्यू वेड वही जो ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में लगातार 3 छक्के लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ जीत दिलाई थी। तो कहीं ना कहीं मैथ्यू वेड विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं मिडल ऑर्डर की तो गुजरात टाइटंस की टीम के मध्यक्रम की बात करें तो मध्यक्रम में नंबर 3 पर एक नया खिलाड़ी खेलता नजर आएगा। इस खिलाड़ी का नाम है अभिनव सारंदगानी। जी हां, मध्यक्रम अन्य विकल्पों की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ खिलाड़ी डेविड मिलर और हार्दिक पांड्या मध्यक्रम में खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां, हार्दिक पांड्या खुद को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि बल्लेबाजी के लिए तो वो जाने जाते हैं। तो कुछ इस तरह से टॉप ऑर्डर रहने वाला है। लेकिन ऑलराउंडर के अंदर गुजरात टाइटंस की टीम के पास ऑलराउंडर खिलाड़ियों की अच्छी लंबी फहरस्त मौजूद है। लेकिन अगर बेहतरीन विकल्पों की ओर नजर डालें तो उनके पास डोमिनिक ड्रैक्स मौजूद है। विजय शंकर जैसा विस्फोटक बल्लेबाज है जो ऑलराउंड की भूमिका निभाएगा, जो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी करने में माहिर है। राहुल तवेतिया राजस्थान रॉयल के लिए जो पहले खेलते थे अब गुजरात टाइटंस के लिए खेलेंगे। इन 3 खिलाड़ियों में से किसी 2 खिलाड़ियों को बतौर ऑलराउंडर मौका मिलने वाला है और एक हार्दिक पांड्या तो खुद मौजूद दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं गेंदबाजी के बारे में तो गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी की बात करें तो टीम के पास स्पिन विभाग में राशिद खान का सबसे बेहतरीन T20 गेंदबाज मौजूद है। ऐसे में राशिद खान प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो वहीं तेज गेंदबाजी की टीम के पास मोहम्मद समी जैसा धाकड़ गेंदबाज है जो टीम इंडिया के इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी धमाल मचा चुका है। मोहम्मद समी इसमें नजर आएंगे। विकी ओसवाल लॉकी फर्ग्यूसन जैसे खिलाड़ी मौजूद है। वरुण आरोन जयंत यादव जैसे विकल्प हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इनमें से किन गेंदबाज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या। यहाँ पर ज्यादा प्रेफरेंस बनते हैं मोहम्मद समी के, लॉकी फर्ग्यूसन के और वरुण आरोन के। लेकिन आप क्या सोचते हैं गुजरात टाइटंस की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।